एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश की जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें जो चैप्टर आने वाला है दैट इज़ डीप वाटर, जिसको कि लिखा है विलियम डगलस ने, इसके हम लोग आज MCQs को डिस्कस करेंगे। और आप लोग तैयार हो जाइए अपने एग्जाम में फुल स्कोर करने के लिए। तो ये समय है आपकी प्रिपरेशन को चेक करने का। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं, उसके बाद आपको उसका आंसर अपने दिमाग में सोचना है, उसको खुद अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही आप लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 25+ MCQs को डिस्कस करने वाले हैं इस डीप वाटर वाले चैप्टर में। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, ये जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है? इस चैप्टर को लिखा है विलियम डगलस ने। आपको पता होना चाहिए विलियम डगलस ने किस चैप्टर को लिखा है, डीप वाटर। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि डीप वाटर ये जो चैप्टर है इसको किस पोइट ने, किस राइटर ने लिखा है, विलियम डगलस ने लिखा है। अब देखिए आपको पता है इसमें पूरे ये जो आपने चैप्टर पढ़ा है इसमें जो विलियम डगलस हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है एक इंसिडेंट के बारे में, जो कि था पूल के बारे में, वाटर के बारे में। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने डर पर जीत हासिल करते हैं, जैसे वो वाटर से डरते हैं लेकिन बाद में वो ऐसे कुछ करते हैं, इतने ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा फाइट करने की कोशिश करते हैं वो अपने डर से, तो वो अपने डर पे जीत हासिल करते हैं। तो आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तभी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द पूल इंसिडेंट। तो जो पूल इंसिडेंट हुआ था इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा जो राइटर थे उनके ऊपर? डेवलप्ड फियर, बिकम कॉन्फिडेंट, बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, हाइड्रोफोबिया वॉज रिवाइव्ड। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, तो बच्चों को दो कन्फ्यूज़न हो सकती है, या तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए क्या होता है, इसमें बच्चों को लगता है कि वो अपने फियर डेवलप करते हैं, फियर तो उनके अंदर डेवलप होता है लेकिन जो जब वो छोटे थे तब उनके अंदर पहले से ही वाटर की वजह से फियर आ गया था, लेकिन जब उनका पूल इंसिडेंट हुआ तो उनका जो फियर था वाटर के लिए, जो फियर था, हाइड्रोफोबिया मतलब वाटर के लिए फियर जो होता है, वो वापस आ गया था। पूल इंसिडेंट ने उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला कि उनका जो हाइड्रोफोबिया का फियर था मतलब वाटर से फियर था वो वापस आ गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है, व्हाट वाज द डीप वाटर फियर इन डगलस माइंड। जो डीप वाटर का फियर था वो डगलस के माइंड में क्या इम्पैक्ट रखता है, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा उस फियर का जो डगलस है उनके माइंड पर। तो आपको इसके ऑप्शन दे रखे हैं, टू बी डिफीटेड, टू बी पुश्ड, थर्ड आपको दे रखा है बीइंग ड्रॉन्ड, फोर्थ आपको दे रखा है नन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि बीइंग ड्रॉन्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आपको दे रखा है, आफ्टर बीइंग हॉन्टेड बाय फियर फॉर मेनी ईयर डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, ही टुक द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प ली थी उन्होंने, मदर की, फादर की, या फ्रेंड की, या इंस्ट्रक्टर की। तो आपको ये बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि इंस्ट्रक्टर। आपने अगर देखिए चैप्टर बहुत अच्छे से रीड किया है तो आप लोग इन क्वेश्चन का बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है आप अपने एग्जाम में भी फुल स्कोर करने के लिए तैयार हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि आपको दे रखा है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर मेड डगलस अ गुड स्विमर। जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने कैसे डगलस को एक अच्छा स्विमर बनाया? तो इसका आपको ऑप्शन दे रखा है, प्लानिंग करके, विद हेल्प ऑफ रोप्स, जो रस्सियाँ होती हैं उनकी मदद से, बाय पुशिंग हिम इनटू द पूल, उसको मतलब पूल में धक्का दे दिया उन्होंने, या फिर विद द हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो कि है, विद हेल्प ऑफ रोप्स एंड बेल्ट्स। आपने पढ़ा होगा कि कैसे उन्होंने, जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने रोप बांध दी थी उसकी जो वेस्ट होती है उस पर, और बेल्ट बांध दी थी, आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन क्या है, 4th। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि आपको दे रखा है, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कंकर्ड द ओल्ड फियर। ऐसे जो डगलस हैं उनको श्योरिटी हो गई कि उनको अपने पुराने डर पे काबू कर लिया, पुराना जो उनका डर था पानी से उस पे उन्होंने जीत हासिल कर लिया। कैसे पता चला उनको, कैसे वो श्योर हो गए थे? तो इसका आपको ऑप्शन दे रखा है, बाय विजिट कैलिफोर्निया, सेकंड आपको दे रखा है बाय जंपिंग इनटू द वाटर्स, थर्ड आपको दे रखा है बाय टेकिंग अ लेसन फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। यहाँ पे ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया तो ये मैं ठीक कर दूंगी। तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो उन्होंने जब लेसन लिया उससे आपको, या फिर इसका 4th ऑप्शन दे रखा है जो कि है बाय स्विमिंग इनटू द लेक वेंटवर्थ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th जो कि है, जब उन्होंने वेंटवर्थ जो ये लेक थी इसमें उन्होंने स्विम करके देखा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो कि आपको दे रखा है, दो डगलस वॉज फ्राइटन, ही वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, गोइंग टू सर्वाइव आउट ऑफ हिज विट, फोर्थ आपको दे रखा है एबल टू शाउट फॉर हेल्प। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो कि है, आउट ऑफ हिज विट्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, जो कि आपको दे रखा है, व्हाट डज डगलस डू टू सेव हिमसेल्फ इनटू द पूल। तो डगलस ने क्या किया अपने आप को बचाने के लिए, फर्स्ट यूज हिज माइंड एंड पुश्ड हिमसेल्फ अप, सेकंड ने रखा है शाउटेड अलाउड, थर्ड आपको दे रखा है कॉल पीपल, फोर्थ आपको दे रखा है शाउटेड हेल्प हेल्प हेल्प। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उन्होंने अपना माइंड यूज़ किया था, उन्होंने सोचा था मैं ऊपर की तरफ जंप लगाऊंगा, ये सब कुछ उन्होंने सोचा था। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो कि आपको दे रखा है, द 9 फीट
सीम्ड टू डगलस लाइक, जो 9 फीट था वो उनको कैसा दिखाई दे रहा था, 90 फीट दिख रहा था, 100 फीट दिख रहा था, 50 फीट दिख रहा था, 25 फीट दिख रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 जो कि है 90 फीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो कि आपको दे रखा है द वाटर इन द पूल हैड अ डर्टी येलो टिंज, अ ब्लू रिफ्लेक्शन, ग्रीन कलर एंड नो कलर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जो कि है डर्टी येलो टिंज। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आपको दे रखा है द मिस एडवेंचर एट YMCA पूल हैपेंड व्हेन, जो ये मिस एडवेंचर हुआ YMCA पूल पर वो कब हुआ। डगलस वाज अकंपनीड फ्रेंड्स, ही वाज विद हिज फादर, थर्ड आपको दे रखा है ही वाज अलोन, फोर्थ आपको दे रखा है ही वाज विद हिज मदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वो अकेले थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, जो कि आपको दे रखा है फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन हाई स्कूल इन योकीमा। तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3 ईयर्स एंड फोर्थ आपको दे रखा है 5 ईयर्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 ईयर्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, इन विच सब्जेक्ट हैज द ऑथर ग्रेजुएटेड, इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश, साइंस, थर्ड आपको दे रखा है साइंस एंड सोशल स्टडीज, फोर्थ आपको दे रखा है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स। अब देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि ये जो ऑथर है विलियम डगलस, तो आपको इनके बारे में, इनके मतलब ऑटोबायोग्राफी के बारे में तो पता ही होना चाहिए जो आपने चैप्टर रीड किया है, लेकिन आपको अबाउट ऑथर करके भी एक लिखा हुआ होता है एक जगह, जो बिल्कुल पेज की स्टार्टिंग होती है, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, वहीं पर अबाउट ऑथर लिखा होता है। तो आप लोग क्या करिए, ये विलियम डगलस हैं तो इनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जान लीजिए ऑथर के बारे में, उनकी एजुकेशन क्या है, सारी चीज़ें, तब आप लोग इस चैप्टर में पूरी कमांड रख सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थ्रैश, इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं हिट विद स्टिक, बी आपको दे रखा है हिट विद फोर्स, सी आपको दे रखा है हिट विद हैंड्स एंड डी आपको दे रखा है हिट विद लेग्स। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जो कि है हिट विद हैंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट हैड रूजवेल्ट सेड, रूजवेल्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था। आपने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो लास्ट में आपको दे रखा होगा कि रूजवेल्ट ने क्या कहा है, इसके आपको ऑप्शन रीड करने हैं, मैं इसके ऑप्शन रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आती हूँ इसके अब सीधे सीधे, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। आपने जब ये पूरा चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये बात तो समझ आई होगी कि हम किस चीज़ से डरते हैं, हम पता है किससे डरते हैं, हम किसी भी पानी, किसी और जानवर या किसी भी चीज़ से नहीं डरते, हम डरते हैं फियर से, मतलब डर से ही हमें डर लगता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, जो रूजवेल्ट थे उन्होंने ये लाइन कही थी और बहुत ही अच्छी लाइन कही है उन्होंने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कि आपको दरगा हु वाज रूजवेल्ट, रूजवेल्ट थे कौन, फ्रेंड थे डगलस के या फिर एक्स प्रेजिडेंट थे अमेरिका के या फिर इंस्ट्रक्टर थे या बोथ ए भी थे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जो कि है बोथ ए भी, वो फ्रेंड भी थे और एक्स प्रेजिडेंट भी थे अमेरिका के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर डगलस टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ स्विमिंग, तो कितना टाइम लगा था। आपको देखिए जितने भी आपने क्वेश्चन देखे तो आपको ये बात तो पता चली होगी, आपको बिल्कुल लाइन टू लाइन हर एक चीज़ रीड करनी है तभी आप इन क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं वही यहाँ पे पिकअप करती हूँ। तो इसमें आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं अक्टूबर टू अप्रैल, बी आपको दे रखा है अक्टूबर टू मार्च, सी आपको दे रखा है अक्टूबर टू फरवरी एंड डी आपको दे रखा है अक्टूबर टू दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि अक्टूबर टू अप्रैल। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर, जो कि आपको दे रखा है हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब गोइंग बीनीथ द वाटर द फाइनल टाइम, कैसा उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो ऑथर थे उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था जब वो बिल्कुल वाटर के बिल्कुल डीप में चले गए थे और बिल्कुल फाइनल टाइम था, तो उनको कैसा फील हो रहा था, उन्होंने कैसे कैसे अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब किया अपनी सारी जो फीलिंग्स हैं उनको। तो इसके आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हिज हेड थ्रॉब्ड, बी आपको दे रखा है ही वॉज पैरालाइज्ड विद फियर, सी आपको दे रखा है हिज लेग्स फेल्ट लेम्ड एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, डी आपको दे रखा है हिज लंग्स एग्ड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनके जो मतलब लेग्स थे वो बिल्कुल लिम्प हो गए थे और उनको सिर्फ ब्लैकनेस दिखाई दे रही थी, तो उनको बहुत ही ज़्यादा अनकॉन्शियस फील हो रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो कि आपको दे रखा है व्हाट प्लान डिड डगलस मेक टू लर्न स्विमिंग, क्या प्लान बनाया था जो डगलस थे उन्होंने स्विमिंग करते समय, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, प्लान टू स्विम मोर, प्लान टू वॉच स्विमर्स, प्लान टू जंप। तो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वो एक इंस्ट्रक्टर को हायर करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, प्लान टू गेट एन इंस्ट्रक्टर। तो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, जो कि आपको दे रखा है द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज, और यहाँ पर डैश दे दिया। अब देखिए यहाँ
इंपॉर्टेंट चीज़ क्या नोटिस करी आपने, ये जो आपने लाइन पढ़ी, ये पूरी की पूरी आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसी की लाइन कॉपी करी गई है और वहीं पर आपको यहाँ पे स्पेस दे दिया है। मतलब आपको लाइन टू लाइन बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश में स्कोर आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एमसीक्यू में तभी अच्छा स्कोर करेंगे जब आप लोग लाइन टू लाइन को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज डैश एंड क्लीन एज अ बाथ टब। तो उन्होंने यहाँ पे कलर के बारे में बात करी गई थी, तो उन्होंने क्या कहा था, व्हाइट है, ब्लू है, ब्लैक है या नन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है व्हाइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर जो कि आपको दे रखा है, विच स्टेटमेंट एप्ली कन्वेज द मैसेज ऑफ द स्टोरी डीप वॉटर। कौन सी स्टेटमेंट आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है, तो कौन सी स्टेटमेंट डीप वॉटर को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो इसके आपको ऑप्शन क्या दे रखे हैं, फियर्स आर डेंजरस, बी आपको दे रखा है ओल्ड फियर्स रिटर्न, सी आपको दे रखा है मोस्ट फियर्स आर बेसलेस, डी आपको दे रखा है फियर कन्फाइंस एंड लिमिट्स वंस स्कोप। अब इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो फियर है वो कन्फाइन कर देता है और एक इंसान की लिमिट लगा देता है। फियर जो होता है उसकी कोई भी स्कोप हो एक इंसान का, तो उस पर वो लिमिट लगा देता है। आप अगर किसी चीज़ से डरते हैं तो आप उस चीज़ को ज़िंदगी में कभी नहीं करना चाहेंगे, तो आपको क्या करना है, उस फियर पर काबू पाना है। तो यही स्टोरी में बताया गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर जो कि आपको दे रखा है, व्हेन डिड डगलस फाइनली कंकर हिज फियर। कैसे और कब उन्होंने, जो डगलस थे उन्होंने कब अपने फियर पे काबू पा लिया, कब उन्होंने अपने फियर पे जीत हासिल कर ली। तो इसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं, व्हेन हिज इंस्ट्रक्टर गेव हिज अप्रूवल, बी आपको दे रखा है व्हेन ही ट्राइड स्विमिंग अलोन एट डिफरेंट प्लेसेस, सी आपको दे रखा है व्हेन ही वाज एबल टू पुट हिज फेस अंडर द वाटर, डी आपको दे रखा है नन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब उन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर ये चेक कर लिया कि वो पानी से नहीं डरते, स्विमिंग कर करके उन्होंने ये देख लिया कि मैं नहीं डर रहा हूँ पानी से, तो उनको पता चल गया कि मैं अब स्विमिंग में मास्टर कर चुका हूँ, मतलब मैं अपने जो मेरा फियर है उस पर जीत हासिल कर चुका हूँ। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर जो कि आपको दे रखा है, नेम द ट्रैकर्स रिवर मेंशन इन द चैप्टर डीप वाटर। कौन सी रिवर के बारे में सबसे ज़्यादा बात करी गई है, तो वो कौन सी रिवर है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बम्बिंग रिवर, बी आपको दे रखा है थेम्स रिवर, सी आपको दे रखा है याकिमा रिवर, डी आपको दे रखा है टैटन रिवर। तो इसका राइट ऑप्शन है बहुत ही ईजी है जो कि है याकिमा रिवर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर जो कि है, वॉट डिस्टेंस डगलस कवर्ड वाइल स्विमिंग अक्रॉस द लेक वैनफर्थ। तो उन्होंने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, 4, 3, 2, 1, कितने मील उन्होंने कवर किया। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 मील उन्होंने कवर कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर सैल्मन ट्रॉट बास। आपने लाइन पढ़ी होगी, लाइन टू लाइन जब आपने रीड किया होगा अपने चैप्टर को, तो आपने ये वर्ड्स तो सुने ही होंगे। तो ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ये आखिर वर्ड्स हैं क्या, काइंड ऑफ फिश, काइंड ऑफ बोट, काइंड ऑफ स्विमिंग टेक्निक्स, ऑल द अबव। तो इसका राइट ऑप्शन है काइंड ऑफ फिश, ये क्या है, एक तरीके की फिश है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर जो कि आपको देखा है, आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वॉटर, वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेड इन द सेंटेंस। आपने जब लाइन अगेन, जब आपने लाइन टू लाइन रीड किया हुआ चैप्टर को, तो आपने ये लाइन तो पढ़ी होगी, तो इसमें फ्लेड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, टू स्ट्राइक विद, टू कीप, टू कम, टू स्विम। तो इसका राइट ऑप्शन है टू स्ट्राइक विद। हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए कुछ ऐसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं जो मुझको अलग अलग जगह से मिले, तो मैंने उनको भी यहाँ पे रखा है। जो कि आपको दे रखा है, आई क्रॉस्ड ओब्रिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, व्हाट डज ओब्रिवियन मीन। अब देखिए आपने बहुत चीज़ नोटिस करी होगी, आज जो आपने ये वाली वीडियो देख ली ना, इसमें आपने बहुत चीज़ नोटिस करी। पहली कि आपको ना पोएट के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड, आपने नोट किया होगा लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, आपको लाइन टू लाइन रीड करना है तभी आप आंसर कर सकते हैं। और तीसरी क्या चीज़ नोटिस करी, तीसरी चीज़ आपने ये नोटिस करी कि आपको वर्ड्स के मीनिंग, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसके आपको मीनिंग तो बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो इसका देखिए आपको ऑप्शन क्या दे रखा है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की वापस आते हैं जो कि आपको क्या है, इसके ऑप्शन रीड करते हैं हम पहले पेविलियन। तो इसके ऑप्शन रीड करते हैं अब हम, पेविलियन, चेंजिंग रूम, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियसनेस। ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है, अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, व्हेन द ऑथर वाज 3 ईयर्स ओल्ड, वेयर डिड हिज फादर टेक हिम, टू द थिएटर, टू द कॉलेज, फार्म, और डी आपको दे रखा है बीच इन कैलिफोर्निया। तो इसका राइट ऑप्शन है बीच ऑफ कैलिफोर्निया। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर जो कि आपको दे रखा है, एट द एज ऑफ 3 और 4 डगलस विजिटेड द बीच विद हिज फादर, व्हाट कॉज्ड द टेरर इन हिज हार्ट देन।
इसके आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, द साइट ऑफ सी वेव्स, बी आपको दे रखा है ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स, सी आपको दे रखा है द कलर ऑफ वाटर, डी आपको दे रखा है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। आपने जब चैप्टर रीड किया होगा तब ने ये सारी चीज़ों के बारे में देखा ही होगा। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड हो जाता है। अब देखिए, हमने बहुत ही अच्छे से चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते थे हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप जब कमेंट करते हैं तो ये मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये एमसीक्यूज कैसे लगे और आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इससे पहले जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स के मैंने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा। सो कीप स्टडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।